All right, guys. So, first morning in Calgary, and we are amazing, like at this amazing place, amazing host, and we are just loving it. One thing I noticed is Calgary doesn't have a very good charging network. So, if you have a Tesla and you want to really charge your car fast, you need to go all the way to north. So it's better to stay near that area. But you know, the place we are living right now, this is an amazing place, amazing host. They have given us the privilege of making our own breakfast, which is amazing. They have provided us with the bread, eggs, you know, everything. So that's good. So yeah, that's their house. Beautiful house. And yeah, we're just gonna having a abhi hum log jo hai wo nashta karenge, we'll have a breakfast, and then after that we'll keep you updated where we are going for today, and we have a lot of stuff to cover. So yeah, stay tuned. All right, guys, so Sunday morning, we went to church in the morning at about 12 o'clock, and then वहाँ से फारिग होने के बाद अभी जो है वो गाड़ी की बहुत हालत ख़राब हो रही थी फ्रंट से, जैसा कि आपने पुरानी वाली वीडियो में देखा. तो अभी जो है वो गाड़ी को मैंने वॉश कर दिया है, और बस अभी हम मेरा एक फ्रेंड है उसको कुछ डिलीवर करना है, मेरे दूसरे फ्रेंड ने उसके लिए कुछ बैग्स भेजे थे, तो वो उसको अभी जो है वो हमने मैंने उसको डिलीवर करने हैं. तो लेट्स गो. सो आज का पहला जो टारगेट था वो स्टॉप जो था वो बेसिकली एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि हेरिटेज पार्क. तो हम यहाँ पे हेरिटेज पार्क में आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं. पता नहीं करना क्या है यहाँ पे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, फिगर आउट कर लेंगे. ट्रेन व्रेन के ट्रैक्स बने हुए हैं, मे भी शायद कोई ऐसा सीन है. ट्रेन So this is a heritage park. There is a train. We need to take a train, and then from that train, it's gonna go to multiple locations throughout the park, and then they're gonna show us, you know, the heritage of the Calgary city at the time of at the different times. Yeah. So yeah, let's go inside and let's have some fun. All right, guys, so $73 down, and we're gonna be visiting this heritage park. So ये heritage park है. The map that तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, देखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या. तो बस फिर time to have some fun. Probably this is the fun. और entrance यहाँ से, एक entrance यहाँ से है, I guess entrance. लेट्स सी, देखते हैं एंट्रेंस का क्या सीन है. हिल बोला था उसने, तो आई थिंक वी हैव टू गो दिस वे. अच्छा, अब या तो आप वॉक करके चले आओ ट्रेन तक, या आप जो है ये गाड़ी लेके चले आओ. तो हम चूँकि लेज़ी हैं, तो धूप भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैंड किस्म की निकली हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इस गाड़ी के ऊपर बैठ के चले आएँ. भाई हम हमारे को स्पेस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, हमें जगह नहीं मिली, वॉक करके जाएंगे अब हम. अच्छा, वो लोग बैठ गए भाई उसके अंदर जगह बना के, तो हमारे लिए जगह बनी नहीं उस गाड़ी के अंदर, वरना वो गाड़ी यहाँ से जाती है आपको लेके ट्रेन तक.
अब हमें पैदल चल के जाना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली, तो अब हम जा रहे हैं पैदल चल के, थोड़ा सा इंक्लाइन है, इट्स अ लिटिल बिट इंक्लाइन, एंड एज यूजुअल यू कैन सी समबडी इज नॉट वॉकिंग फास्ट. अच्छा तो गाइज अब सीन ये है कि ये जैसा कि आपको पता है कि हेरिटेज है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की जो है वो जगहें हैं, प्लेसेस हैं, एंड वन ऑफ द प्लेसेस जो मुझे समझ आ रही है देखने में लाइक वो है ये बैंक. तो अभी हम इस बैंक के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि उस टाइम के बैंक्स किस तरीके से होते थे. तो ये 1800 का बैंक है, ये 1900s का. ये मैनेजर का रूम होता था उस टाइम पे, इस तरीके से ये मैनेजर यहाँ पे बैठता था, जैसा कि आप देख सकते हैं शान शौकत के साथ. और ये होता था उस टाइम पे टेलर, ठीक है. आजकल के टेलर कहीं और किसी और तरीके से बैठते हैं, उस टाइम के टेलर्स इस तरीके से बैठते थे. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनकी स्टैम्प्स हैं, मैं फ़ोन को अगर अंदर लेके जाऊं तो आप इनकी स्टैम्प्स वगैरह देख सकते हैं. और ये जो था ये इनका पेपर वर्क वगैरह होता था उस टाइम पर. अब हम इसमें, मैं सोच रहा हूँ यार मिसाल इसमें बैठ गए या ये क्या लग? क्या लो? ये भाई कोई और बैंक नहीं बल्कि द रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा है जिधर अभी हम गए हैं. वाओ, यानी कि द रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, मतलब मेरा भाई काम करता है ये उस टाइम पे. रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा इस तरीके से होता था, ये 1965 की बात है, 1965. अच्छा ये डेंटिस्ट भागा हुआ है वो. ओ नहीं नहीं नहीं, अंदर है भाई, अंदर काम चल रहा है. ये है उस टाइम के डेंटिस्ट का क्लिनिक, फुल हाइजीन वगैरह का ख्याल रखा जाता था. और ये 1999 का है, इट्स नॉट टू ओल्ड आई वुड से. नो, इट्स रीस्टोर्ड इन 1999. ओ रीस्टोर्ड, फाउंडेड कब हुआ? आप चेक करेंगे उस टाइम के जो टूल्स वगैरह हैं ये इस तरीके से होते थे डेंटिस्ट के टूल्स. बट ये लॉ ऑफिस था उस टाइम का, आप अंदर से देख सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ आप. ठीक है. अच्छा चूँकि उन्होंने बनाया उस तरीके से है, तो ये जो है ये रोड्स भी इसी तरीके से हुआ करती थी. और ये जो है ये हमारा, ये क्या है मिसाल? लॉन्ड्री है ये हमारी, ये लॉन्ड्री है, ठीक है. और 1978 की है ये, या ये उस टाइम की लॉन्ड्रीज हैं. ये इस तरीके से लॉन्ड्री हुआ करती थी उस टाइम पे. आजकल तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना लोग, लेकिन उस टाइम पे, या उस टाइम पे इस तरीके से. हाँ नहीं, वी कैन नॉट, बट मैं लोगों को बताता चलूँ कि ये जो था ये आपका वेटिंग एरिया होता था. और वहाँ पे आपसे, जैसे आप रिसेप्शन पे गए थे तो आप रिसेप्शन पे अपने कपड़े दे देते थे, और फिर वो आपके कपड़े यहाँ पे इन रूम्स में लेके आके उनको प्रॉपरली जो है वो प्रोसेस करते थे, यानी कि धोते थे, कलर करते थे, वॉट एवर जो भी था, उनको सीते थे, करते थे जो भी था. तो ये एक उस ज़माने का शाहकार है, प्रेस वगैरह जो भी था, प्रेस वगैरह करते थे, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो ये लॉन्ड्री का एक सेटअप हुआ करता था उस ज़माने का. आजकल तो सिंपल है, आप बैठो आराम के साथ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और वॉशिंग मशीन आपके कपड़े धो देगी. ठीक हो गया जनाब. ये अब ये चेक करेंगे, ये ब्लैक स्मिथ है, यानी कि जहाँ पे लोहार का काम होता है, ब्लैक स्मिथ. और ये जो है ये घोड़ों का अस्तबल है, ठीक है. स्टेबल लिवरी स्टेबल नाम दिया हुआ है एंटरप्राइज. वो होटल है उस ज़माने का, जिस तरीके के होटल हुआ करते थे उस टाइम पर. तो आई एम नॉट श्योर कि स्कूल बस क्यों चल रही है, तो विल फिगर इट आउट. है ये हमारा
हम हेरिटेज पार्क के अंदर घूम रहे हैं और यहाँ पे जो है वो सारा पुराने ज़माने का उस टाइम का इन्होंने दिखाया हुआ है सेटअप और लेट्स सी आप देखें लोहार का रियल टाइम में काम हो रहा है क्योंकि आज तक काम हो रहा है। लिए ये अस्तबल हुआ करते हैं, मेरा ख्याल है अभी भी ये अस्तबल ही है रियल, क्योंकि यहाँ पे कुछ घास पास दिख रही है मुझे, तो आई एम प्रीटी श्योर के यहाँ पे अभी भी घोड़ों को ये बांध के रखते हैं ये, लेकिन थीम उसी ज़माने का है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करी है अभी जनाब, और वो है ये गारबेज बिन्स। ये भी कोई देखने वाले ही है, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको हम दिखाते हैं गारबेज बिन्स। उस टाइम वाइब उस टाइम की क्रिएट की हुई है, बट इस तरीके से ये आपका रिसाइकल है तो रिसाइकल में जाएगा, ये आपका गारबेज है तो गारबेज में जाएगा रिसाइकल। ये था बहुत ज़बरदस्त एक सीन पार्ट। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करिए, वो इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ भैया, इंग्लिश सीन्स थे यहाँ पे। चलो जी, कहाँ पे तुझे पता है दुनिया के अंदर हर चीज़ चेंज हो गई है, एक वाहिद चीज़ है जो कि चेंज नहीं है और वो है स्कूल। स्कूल में आज भी बच्चे बैठते हैं और उस्ताद खड़ा होता है और वही स्टाइल है पिछले कोई 100 200 300 सालों से, तो उसी वो स्कूल को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्कूल इज द सेम थिंग। कौन सी साइड पे वो आ गई ना ट्रेन, रुकेगी जब रुकेगी फिर हम जाएंगे। यह शायद बाईपास है, आई डोंट थिंक सो बाईपास है, बट एनीवेज अगर रुकेगी तो फिर ये खुलेगा। यह आई थिंक इसलिए बंद किया है ताकि कोई एकदम आगे ना आ जाए चलती हुई ट्रेन के। तो बस अभी यहाँ पे आई थिंक ब्रेक मारेगी और अभी हम यहाँ से खुलेगा फिर हम जाएंगे यहाँ पे, और भाप के बैठने में काफ़ी ज़्यादा जनता है। यस सर, ब्रेक ये खुल गया। यस, लेट्स गो। रश तो अभी भी बहुत है, अब ऐसा करते हैं पीछे वाले डब्बे में बैठते हैं। हाँ चलो, ट्रेन में बैठे हुए जनाब, कैनेडा पैसिफिक रेल की एक्चुअली ओरिजिनल रेल है, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली थोड़ी पुरानी है, बट व्यूज़ हैं, विशाल व्यूज चेक कर। अच्छा भाई, जो हमारी पहली दफ़ा गाड़ी मिस हुई थी वो हमने इस बार पकड़ ली, ट्रेन से उतरते ही वो सामने ट्रेन से हम उतरे और उतरते ही हमें सामने अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने ये ट्राला पकड़ लिया। अच्छा तो भाई, माई टेक ऑन दिस टूर इज इट्स वर्थ इट, आई गिव इट अ सॉलिड 8, आई गिव इट 8 7.3 out of 10. What is 7.3? The thing is that in order to enjoy this properly, like you have to come here early in the morning and on a weekday, not on weekends, because weekends are busy. So you have to come here on a weekday early in the morning. No, I don't want anything. Thank you so much. Thank you. Anywhere my wife sees anything to eat, drink or whatever, stop here. You want something usne apne liye leni hoti hai to bas wo usko apne liye leni hoti hai aur fir wo phenk bhi deti hai no phenk bhi deti hai lekin chalo abhi phenki, unhone drink leke bata rahi thi aadhi phenki thodi si reh gayi, chalo ab yahan se chalenge wapas, balki wahan se chal lete hain।
पे यार मरवाएगी तो रोड के बीच में चल रही, इधर से आ जा जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। तो आज का जो था ये हेरिटेज पार्क का जो ट्रिप था बहुत अच्छा था और मस्ट रेकमेंड। बट अगेन दो चीज़ें, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप आएँ और सेकंड जो है वो वीक डे पे आएँ तो ही आप इसको प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स गोना बी अ लिटिल बिट क्राउडी एंड यू वोंट बी एबल टू विजिट एवरीथिंग इन वन डे। ऑलराइट गाइस सो हम टेस्ला के सुपर चार्जर पर आए हैं गैलगरी के अंदर और जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं और यहाँ आप चेक करें गेम्स, इतनी टेस्ला यहाँ पे खड़ी हुई है इसकी कोई इंतहा नहीं है। यूजली टेक्स अबाउट 15-20 मिनट्स टू चार्ज द कार, देन एवरीथिंग शुड बी गुड टू गो। आप देख सकते हैं बंदे ने हरकत क्या करी है। ओह माय गॉडनेस, गाड़ी का नंबर प्लेट ये मतलब कैलगरी है, चेक करें उस बंदे ने वहाँ पे अपना थ्रो कर दिया है। वाओ दैट्स जस्ट इनसेन। तो अब हम गुड समैरिथन बनेंगे और हम क्या करेंगे कि हम इसका कचरा उठाएंगे और अपनी गाड़ी के अंदर रख लेंगे, उसको बताएंगे नहीं। आई विल टेक इट। तो ये जनाब आ गई चाट, ये आ गई हक्का नूडल्स, ये बन कबाब, ये चिकन कबाब रोल, ये दो चटनियाँ और हम दोनों कोड़म फाड़ी जा रहे हैं। चाय आई है फुल ऑथेंटिक स्टाइल में। सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, वाह भाई वाह, तो अभी हम गए थे चार्ट हाउस विच वॉज इन द नॉर्थ ऑफ कैलगरी एंड वन थिंग विच आई नोटिस इज दैट सर्विस वॉज फिनोमिनल, वेरी गुड, बट देर आर कपल ऑफ थिंग्स, देर आर कपल ऑफ आइटम्स ऑन देयर यू नो फूड लिस्ट विच आई वुड डेफिनेटली नॉट रेकमेंड। मतलब सर्विस वाइज 10 out of 10, फूड वाइज नॉट सो गुड, 4 out of 10 आई'ड गिव। कुछ उनके आइटम्स थे जो कि बिल्कुल ठंडे आए थे और मैं अकेला नहीं था उस बोर्ड में, इनफैक्ट मैंने तो कंप्लेन भी नहीं करी, मैंने तो उसको बुला के चेंज भी नहीं करवाया। दूसरे जो लोग थे दे वर यू नो कंप्लेनिंग अबाउट दैट एंड आई फेल्ट दैट यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग,